इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में ममता बनर्जी ने एक चतुर कदम उठाते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बैठक में प्रस्तावित किया, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के तौर तरीके से बंगाल के वामपंथी नेताओं का कहना है कि ममता की रणनीति भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए पहले खुद का नाम बताया, फिर अखिलेश यादव का और अब खड़गे का नाम बताकर एक नया दाव खेला है। तो वही दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक ऐसा करके राहुल गांधी को भी वो झटका देना चाहती है जिन्हें वो जरा भी पसंद नहीं करती है। प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के बारे में पहले से चर्चा करके वो या तो कोई नया खेल खेलना चाहती है या फिर कोई गड़बड़ पैदा करना चाहती है। बता दें, इंडिया गठबंधन की कल चौथी बैठक आयोजित हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे और साझा घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा का कोई गठबंधन नहीं है, एनडीए पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जनता की भलाई के लिए हमें देश के लिए सही नेता चुनना होगा। देश में अभी जो शासन चल रहा है वो निरकुंच तंत्र है जिसे कोई भी आमजन नहीं चाहता है। बता दें, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव इसलिए रखा जिससे जनता में एक संदेश जाए कि इंडिया गठबंधन के दल सत्ता के भूखे नहीं है। उनका उद्देश्य है कि वो एक दलित व्यक्ति को देश के सर्वोच्च शासक पद पर स्थापित करना चाहते हैं। तो वही खड़गे का कहना है कि पहले चुनाव जीतने पर फोकस किया जाए, उसके बाद नेतृत्व का मुद्दा हल किया जाएगा। आगे खड़गे ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर 31 दिसंबर तक निर्णय कर लिया जाएगा। उन्होंने जिन राज्यों का उल्लेख किया है उनमें बंगाल का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। बंगाल के कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राज्य में टीएमसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें, इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक है। इससे पहले इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई को हुई थी और पहली बैठक पटना में 23 जून को हुई थी। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार सहित कई नेता शामिल रहे। ऐसे में देखने लायक होगा इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो उछाला है वो अपने चीर प्रतिद्वंदी राहुल गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए उछाला है या फिर 2024 में होने वाले चुनाव के लिए वो कोई नई चाल चल रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।